आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। जानेंगे कि भूगोल के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आपकी जो प्रथम पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे आपका अध्याय एक भूगोल एक विषय के रूप में, अध्याय दो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, अध्याय तीन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अध्याय चार महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, अध्याय पाँच भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अध्याय छः भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, अध्याय सात वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो आपके टोटल 7 चैप्टर आने वाले हैं आपकी पहली पुस्तक से। जो आपकी सेकंड पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, इससे आपका अध्याय एक भारत की स्थिति, अध्याय दो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, अध्याय तीन अपवाय तंत्र। तो ये 3 चैप्टर आपके आने वाले सेकंड पुस्तक से। तो मतलब टोटल आपके क्या है 10 चैप्टर आने वाले हैं, पहली पुस्तक से 7 चैप्टर, दूसरी पुस्तक से 3 चैप्टर। ओके, तो ये है आपका जियोग्राफी का सिलेबस। ओके, अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट anuragasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो बनाई है तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या है वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जियोग्राफी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।